गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम EVS में चैप्टर 14 एयर एंड वाटर का आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हमने इस चैप्टर से क्या पढ़ा था एक बार आपको रिवाइज करवा दें, फिर हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए, जीने के लिए हवा और पानी की ज़रूरत होती है। सभी लिविंग थिंग्स को हवा और पानी की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स मतलब जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स, तो हम सबको किसकी ज़रूरत होती है? हवा और पानी की ज़रूरत होती है। जब हवा चलती है उसे क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। धीरे धीरे हवा चलती है उसको विंड कहते हैं। हवा जगह लेती है। हवा क्या लेती है? जगह लेती है। हवा के कई प्रयोग हैं, तो कौन कौन से प्रयोग पढ़े थे हमने? सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है। कपड़े सुखाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है। नाव पानी में तैराने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है। ये सारी थिंग्स दी हैं, स्विमिंग ट्यूब, फुटबॉल्स, टायर्स और बलून्स में हवा भरी जाती है, तो तभी हम कहते हैं कि हवा को स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। और हमने क्या पढ़ा था इसमें? जब हवा तेज और ताकत से बहती है यह क्या कहलाती है? यह स्टॉर्म कहलाती है। मतलब आंधी आती है उसको क्या कहते हैं? देखो तूफान आ गया, तो तूफान से क्या होता है? घर, पेड़, यहाँ तक के हम सबको नुकसान पहुँचता है। घर टूट जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं, इससे क्या होता है? हमारा नुकसान होता है। पढ़ा था हम सब जानते हैं कि सभी लिविंग थिंग मतलब जीवित चीज़ों को पानी की ज़रूरत होती है। पानी हमारे लिए क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पानी की कई पर्पसेस के लिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्या क्या पड़ती है? जैसे ड्रिंकिंग, बेथिंग, कुकिंग, इन सब के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आगे का पढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस होते हैं स्रोत, पानी के स्रोत, मतलब पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। पानी का मुख्य स्रोत बारिश है। हमें पानी कहाँ से मिलता है? वर्षा से, बारिश से। जब बारिश होती है तो हमें पानी मिलता है। आगे है, वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम हैंडपम्प्स, टैप्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। हमें हैंडपम्प्स, टैप्स, रिवर्स, सीज एंड ओशन से भी पानी मिलता है। देखिए, आपने देखा हैंडपम्प जब चलाते हैं तो क्या होता है? पानी निकलता है उसमें से। टैप में से जब हम टैप चलाते हैं, टैप में से पानी निकलता है। और रिवर्स, नदियों से पानी मिलता है हमें। और सीज, समुद्र से, ओशन, महासागरों से हमें पानी मिलता है। तो इन सब से हमें क्या मिलता है? वाटर। आगे है, सीज एंड ओशंस आर बिग वाटर बॉडीज। सीज मीन्स समुद्र, ओशन मीन्स महासागर। तो ये क्या है? ये बड़े वाटर बॉडीज मतलब जल स्रोत हैं पानी के। किसके हैं जल स्रोत? पानी के हैं। मतलब सीज एंड ओशन से बहुत सारा पानी हमें मिलता है। तो देखिए यहाँ दिए रेन, हैंडपम्प, रिवर, सीज, तो इन सबसे हमें क्या मिलता है? पानी प्राप्त होता है इन सबसे हमें। और जो सीज एंड ओशंस होते हैं मतलब समुद्र और ओशंस, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत बहुत पानी होता है। तो ये क्या है? बहुत बड़े जल स्रोत हैं पानी के। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किल दोज थिंग्स दैट नीड एयर एंड वाटर। यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ों पर सर्किल करनी है जिनको हवा और पानी की ज़रूरत होती है। पहला है बेबी, फिर है पेंसिल, फिर है फिश, फिर बैग, प्लांट, डॉग। तो बेबी, बच्चा, बच्चे को पानी की और हवा की ज़रूरत होती है। यस, तो इस पर सर्किल कर दिया। नेक्स्ट है पेंसिल। पेंसिल को इन सब एयर और पानी की ज़रूरत होती है, मतलब एयर एंड वाटर की ज़रूरत होती है पेंसिल को? नहीं, तो इस पर सर्किल नहीं करेंगे। नेक्स्ट फिश। फिश को पानी की ज़रूरत होती है और हवा की ज़रूरत होती है, तो यस, इस पर सर्किल करना है। नेक्स्ट बैग। बैग को ज़रूरत होती है एयर एंड वाटर की? नो, इस पर नहीं करेंगे। प्लांट्स, तो प्लांट्स को ज़रूरत होती है पानी और हवा की,
उस पर सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट है डॉग, डॉग को भी जरूरत होती है एयर एंड वाटर की, ठीक है, तो इस पर सर्किल कर देंगे। तो कौन कौन से वर्ड पर सर्किल करना था हमें, बेबी, प्लांट, फिश, डॉग, ओके। एक्सरसाइज हमें बुक में करनी है। चलिए नेक्स्ट है, वी मस्ट सेव वाटर, हमें पानी को बचाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। तो कैसे हम पानी बचाते हैं, तो वो पढ़ते हैं इसमें। तो आगे है, वाटर इज वेरी प्रीशियस, पानी बहुत कीमती है। पानी क्या है, बहुत कीमती है, इसलिए हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओनली 1% ऑफ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज ड्रिंकेबल, पृथ्वी पर पूरे पानी का केवल 1% ही पानी पीने योग्य है। मतलब 71% पृथ्वी पर जल है, केवल उसका 1% ही पीने योग्य है। तो देखिए 1% पीने योग्य है, तो हमें उसको बचाना चाहिए ना, हमें उसको सेव करना चाहिए। अगर पानी खत्म हो गया तो फिर हम जीवित कैसे रहेंगे, ठीक है बच्चों। आगे है, सो वी मस्ट सेव वाटर, इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, ओके। वी शुड हमें पानी सेव करना चाहिए, तो कैसे करेंगे, नॉट वेस्ट वाटर, बर्बाद नहीं करना चाहिए पानी को। क्लोज द टैप आफ्टर यूज, पानी यूज करके टैप बंद कर देना चाहिए। मतलब जैसे आप हैंड वॉश कर रहे हो तो आप करे चले आ रहे हो, तो इससे पानी वेस्ट हो रहा है। जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना टैप चलाओ, नहीं तो बंद कर दो, ठीक है। ओनली एज मच वाटर इन अ ग्लास एज वी वॉन्ट टू ड्रिंक, ग्लास में केवल उतना पानी लेना चाहिए जितना हम पीना चाहते हैं। मतलब हमें थोड़ी सी प्यास लगी है तो आपने पूरा ग्लास पानी ले लिया और आपने थोड़ा सा पिया उसमें से, तो जो पानी रह गया वो झूठा हुआ तो वो तो फेंका जाएगा, कोई पिएगा तो नहीं, तो इससे पानी वेस्ट होता है ना। जितनी आपको प्यास लगे आप उतने ही ग्लास में पानी लो, ओके बच्चों। कलेक्ट रेन वाटर, हमें बरसात के पानी को, बारिश के पानी को कलेक्ट करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हमने इस चैप्टर से क्या सीखा वो हम ज़रा पढ़ लेते हैं एक बार। वी नीड बोथ एयर एंड वाटर टू लिव, हमें जीने के लिए हवा और पानी की ज़रूरत होती है। सभी लिविंग थिंग्स को किसकी ज़रूरत होती है, एयर एंड वाटर की ज़रूरत होती है, क्यों बच्चों, सही है ना। आगे चलिए, When air moves, it is called wind. जब हवा चलती है ये क्या कहलाती है, विंड कहलाती है। मतलब धीमी धीमी हवा चलती है उसको क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। But when it blows fast and strong, it is called storm. लेकिन जब तेज और ताकत से बहती है, मतलब जब हवा तेज और ताकत से बहती है यह क्या कहलाती है, storm कहलाती है, मतलब तूफान कहलाती है। आंधी होती है उसको क्या कहते हैं, तूफान, तूफान आ गया। तो तूफान में क्या होता है, सभी का नुकसान होता है। आगे है, वी यूज वाटर फॉर मैनी पर्पजेस, हम कई पर्पजेस के लिए पानी का प्रयोग करते हैं, जैसे सच एज कुकिंग, बेथिंग, ड्रिंकिंग एट्सेट्रा। तो हम पानी का प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए करते हैं, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, इन सब के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। आगे है, वी गेट वाटर फ्रॉम रेन, हैंडपम्प्स, रिवर्स, सीस एंड ओशंस, हमें पानी रेन, हैंडपम्प्स, रिवर्स, सीस एंड ओशन से मिलता है। हमें पानी इन सब चीज़ों से मिलता है, बारिश से, हैंडपम्प से, रिवर्स से, सी से एंड ओशन से, ओके बच्चों। तो हमारा चैप्टर फुली कंप्लीट हो गया, सभी बच्चे अच्छे से रीड करिएगा, ओके, बाय बाय।